नो डाउट रियलमी 11X 5G का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत सारे लोगों को इसका डिजाइन पसंद आने वाला है, लेकिन इस फोन के जो दो मेन फीचर्स हैं वो इसकी प्राइसिंग के हिसाब से बहुत ही ज्यादा घटिया दे रखे हैं। एंड मैं पूरी तरीके से श्योर हूं कि मेरे अलावा किसी भी वीडियो में आपको ये चीज ज्यादा डिटेल में पता नहीं चलेगी। सो अगर आपको ऐसे अनवाइज्ड वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इस फोन की अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो Realme 11X 5G दो वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है, 6+128 ₹15,000 और एक 8+128 जो कि ₹16,000 का है। अब डिजाइन वगैरह की बात करते हैं तो काफी अट्रैक्टिव डिजाइन है, बहुत सारे लोगों को ये डिजाइन पसंद आएगा। बैक पैनल यहाँ पे प्लास्टिक का है, साथ में जो फ्रेम दे रखा है वो भी प्लास्टिक का फ्रेम यहाँ पे दे रखा है, और डिजाइन में जो पीछे कैमरा मॉड्यूल है वो थोड़ा अट्रैक्टिव सा दिखता है, इमोजी जैसा कुछ दिखता है। उसके अलावा यहाँ पे डुअल माइक दे रखे हैं, साथ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है क्योंकि एज यूजुअल अच्छा ही काम करता है। इसके अलावा फोन 8mm थिक है और यहाँ पे 195 ग्राम इसका वेट है, तो ऐसे बहुत ज्यादा भारी फोन नहीं है और डिजाइन सच में एक स्टैंड आउट फीचर है इस फोन का। और ये थोड़े बड़े साइज का फोन है क्योंकि इसमें फ्रंट की साइड पे 6.72 इंच का एक HD+120Hz का एक LCD डिस्प्ले दे रखा है जो कि सेंटर पंचोल के साथ आता है। 680 निट्स का यहाँ पे पीक ब्राइटनेस है और जो बेजल्स वगैरह दे रखे हैं चिन के या फिर बॉटम के या फिर साइड्स के वो भी प्राइस के हिसाब से काफी सही है, मतलब डिस्प्ले देखने में काफी अच्छा लगता है। लेकिन इसके अलावा इस डिस्प्ले पे कोई प्रोटेक्शन है या फिर नहीं है, HDR या फिर 4K वीडियो प्लेबैक, ये सभी चीजें आपको देखने में नहीं मिलती, बट फिर भी 15,000 के हिसाब से एक अच्छा डिस्प्ले रियलमी ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। लेकिन मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस यहाँ पे थोड़ा उतना ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि फोन में आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिलता है, IBIS के अगर डुअल स्टीरियो स्पीकर दे दिए होते तो ज्यादा बढ़िया रहता। इसी सेम प्राइस पे मोटो G62 आता है जिसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमोस का सपोर्ट हमको देखने के लिए मिलता है। अब इस फोन में रन कर रहा है Realme UI 4 जो कि Android 13 बेस्ड है, और साथ में Realme ने बोला है कि इस फोन को 2 ईयर के मेजर और 3 साल के सिक्योरिटी पैच के अपडेट देखने को मिलेंगे जो कि टाइम के साथ IBIS के Realme फुलफिल जरूर करेगा। अब Realme UI 4 में आपको ढेर सारा ब्लोटवेयर्स मिल जाएगा, हॉट गेम्स, हॉट ऐप्स, ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, रिकमेंडेशन, ग्लैंस स्क्रीन, ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। बट अगर आप एक टेक में इंटरेस्ट रखते हो तो आप इन सभी चीज़ों को इजीली अनइंस्टॉल या फिर डिसेबल कर सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा टेक में नॉलेज नहीं है तो इन सभी चीज़ों से आई नो कि आपको ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। बाद बाकी ये Realme UI काफ़ी फीचर लोडेड है, यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जो भी आपको जरूरत के लिए चाहिए सभी फीचर्स Realme UI में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बताता हूँ इस फोन का मैं पहला घटिया चीज़ जो कि 15-16 हज़ार के हिसाब से बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो है इस फोन का परफॉर्मेंस। अब इस फोन में 7nm बेस्ड Dimensity 6100+ प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि साथ में लेके आता है 128GB की UFS 2.2 स्टोरेज। N22 वर्जन 10 में ये 4.5 लाख के आसपास स्कोर कर देता है और वर्जन 9 में 3.5 लाख कर देता है। अब दिक्कत यहाँ पे नहीं है, दिक्कत ये है कि ये वही सेम प्रोसेसर है जो कि 2 साल पहले बिल्कुल एंट्री लेवल वाले जो बजट 5G फोन्स होते थे उसमें यूज़ किया जाता था। ये वही सेम प्रोसेसर है जो कि Dimensity 700 के नाम से जाना जाता है, जस्ट ये Dimensity 700 का एक रीब्रांडेड वर्जन है। आई विश कि यहाँ पर Realme ने Snapdragon 695 या फिर अभी जो Redmi और Poco ने यूज़ किया है Snapdragon 4 Gen 2 वो यूज़ कर लिया होता तो ज़्यादा बेटर रहता। ये प्रोसेसर मैं सही बता रहा हूँ 6 महीने या फिर 8 महीने ढंग से चलेगा, उसके बाद काफ़ी लैग वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये डेली के काम जितने भी होते हैं चाहे वो फ़ोन, कैलकुलेटर, व्हाट्सएप, ये सभी चीज़ें तो चला देगा, एक 10,000 का फ़ोन भी चला देता है तो ये भी चला ही देगा। बट अगर आप हैवी गेमिंग की एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अच्छी वाली गेमिंग आप करोगे तो ना ही इसमें जायरो ढंग से चलता है और ना ही इसमें आपको 40 FPS कॉन्स्टेंट मिल पाएंगे। सो आप हैवी गेमिंग की तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन इस फोन से मत रखिएगा। अच्छी बात यह है कि कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे 9 5G के बैंड्स दे रखे हैं और कनेक्टिविटी के सभी फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बैक पैनल पे डुअल कैमरा सेटअप दे रखा है जहाँ पे 64MP का मेन ओमनीविजन का सेंसर दे रखा है और 2MP का एक डेप्थ सेंसर दे दिया है जो कि कोई भी उसको नहीं मांगता। उसके अलावा फ्रंट में यहाँ पे 8MP का सेल्फी कैमरा दे रखा है और यही इस फोन की दूसरी घटिया चीज़ मेरे को लगी, मतलब कोई यूज़र 16,000 पे कर रहा है और केवल 8MP का सेल्फी कैमरा, तो आप सोच ही सकते हो कि 8MP के हिसाब से क्या ही खास क्वालिटी यहाँ पे Realme आपको निकाल के दे देगा। उसके अलावा यहाँ पे Full HD 30 FPS की आप फ्रंट और बैक से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई भी 2K या फिर 4K का ऑप्शन आपको नहीं देखने के लिए मिलता और साथ में आपको स्टेबलाइजेशन भी देखने के लिए नहीं मिलता, तो काफ़ी शेकी सा वीडियो आपका रिकॉर्ड होगा। फोटो वगैरह अभी ज़्यादा डिटेल रिव्यू वगैरह नहीं आए, बट जैसा मेरा उम्मीद है कि ये खास परफॉर्म नहीं करेगा, आप इससे ज़्यादा बेटर फोटोज़ वगैरह की उम्मीद नहीं रख सकते। और एटलीस्ट Realme ने यार 16,000 रुपये लिए तो 13 या फिर 16 MP का सेल्फी कैमरा देना चाहिए था। अब हर फोन की तरह इस फोन में अभी आपको 5000mAh का बैटरी देखने को मिलता है, साथ में 33W का फास्ट चार्जिंग दे रखा है। अच्छी बात यह है कि बैटरी आपका इजीली एक दिन का काट देगा, अगर आप एक हैवी यूजर हो तब भी आपको एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा और 33W की फास्ट चार्जिंग से आप अपने फोन को करीब करीब 1 घंटा 10 1 घंटा 15 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हो। और रही बात सर्विसिंग की, तो मेरे एरिया में Realme की सर्विसिंग काफी अच्छी है, आपके एरिया में कैसी है आप अपने एरिया की चेक कर लेना, उसके बाद ही आप फोन को खरीदना।
अब रिकमेंडेशन के लिए ये फोन बिल्कुल भी मेरी लिस्ट में नहीं है, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इस फोन को बिल्कुल भी ना खरीदिए। मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पास 15,000 रुपए हैं, आपको 15,000 में फोन लेना है, तो पहली प्रेफरेंस तो है मोटो G62 जिसको आप खरीद सकते हो। सिमिलर LCD 120Hz मिल जाएगा, बट डिफरेंस ये है कि आपको कैमरा सेटअप भी काफी अच्छा मिलेगा, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर काफी क्लीन मिलेगा और इससे ज्यादा पावरफुल और बेटर आपको प्रोसेसर देखने का मिल जाएगा। दूसरी प्रेफरेंस है अगर आप पोको पे ट्रस्ट कर सकते हो तो पोको X5 5G 120Hz का आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 695 भी मिल जाएगा, बैटरी चार्जिंग भी 33 वॉट वाला आपको मिल जाएगा, तो ओवरऑल वो भी एक बढ़िया डील है। बट ये रियलमी 11X यार उतना ज्यादा सेंस नहीं बना रहा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।